हाय दोस्तों, आज की मूवी का नाम है लाइक वाटर फॉर चॉकलेट, जो स्पेनिश लैंग्वेज की मूवी है और 1992 में ये रिलीज हुई थी। ये एक मैक्सिकन मैजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी है। ये फिल्म उस समय की संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी भाषा फिल्मों में से एक है। तो आइए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक औरत के प्याज काटने के दौरान रोने और खाना पकाने के प्रभावों को एक्सप्लेन करने के साथ होती है। फिर टीता नाम की एक लड़की के जन्म के साथ एक कहानी शुरू होती है। टीता की माँ एलेना घर की रसोईया नाचा की मदद से रसोई की मेज पर एक लड़की टीता को जन्म देती है। जश्न का माहौल होता है, लेकिन तभी एक शातिर अजनबी आकर एलेना के पति को ये बताता है कि उसकी पत्नी का अफेयर था और उसकी एक बेटी उसकी नहीं है। इसके तुरंत बाद मामा एलेना के पति की दिल का दौरा पड़ने से दर्द हो जाती है। अपने पति के अंतिम संस्कार के दौरान एलेना नाचा को समझाती है कि उसके अब बच्चे नहीं हो सकते और पारिवारिक परंपरा के अनुसार टीता सबसे छोटी संतान होने के कारण शादी नहीं कर सकती और टीता को तब तक एलेना की देखभाल करनी पड़ेगी जब तक एलेना मर नहीं जाती। लेकिन टीता की दोनों बहनें रसोरा और गेरू शादी कर सकती हैं। नाचा टीता को स्वादिष्ट तरीके से खाना बनाना सिखाने की जिम्मेदारी संभालती है। टीता खाना बनाने के साथ साथ अपने इमोशंस को शो करना सीखती है। लंच के दौरान उसे पेड्रो नाम का लड़का एक अलग नजरों से देख रहा है। टीता भी उसे देखती है और एलेना उन दोनों की अंदरूनी भावनाओं को समझ जाती है। समय बीतता है और पेड्रो और टीता अब जवान हो गए हैं और टीता के लिए पेड्रो की फीलिंग्स अभी भी सेम है। और जब भी पेड्रो टीता को देखता है, टीता उसके ख्यालों में खो जाती है। वो अंदर जाती है और पेड्रो भी उसके पीछे आता है और अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो समझता है कि ये जगह प्रपोज करने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन टीता के पास आने के लिए उसे कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए उसने आज रात उसे प्रपोज करने का फैसला किया। वो उससे उसका जवाब पूछता है और कहता है कि वो जिंदगी भर प्यार करेगा। क्या वो भी उसे प्यार करती है? टीता उसे हाँ में जवाब देती है और अगले दिन अपनी माँ से कहती है कि पेड्रो उनसे बात करना चाहता है। एलेना कहती है कि अगर वो तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा है तो उससे कह दो कि परेशान मत हो, वो अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद करेगा और तुम जानती हो कि तुम सबसे छोटी हो और तुम्हें मेरे मरने तक मेरा ख्याल रखना है। ये सुनकर टीता को काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन एलेना कहती है कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और वो टीता को इन परंपराओं को तोड़ने नहीं देगी। सब रसोई में काम कर रहे होते हैं और टीता की बहन गेरू किचन में मस्ती करने लगती है। उसी दिन टीता का जन्मदिन होता है। पेड्रो अपने पापा के साथ शादी के लिए उसका हाथ मांगने आता है। एलेना बताती है कि टीता शादी क्यों नहीं कर सकती और टीता के बदले उसकी बड़ी बेटी रसोरा से शादी करने का प्रस्ताव देती है। ये सुनकर नौकरानी चेचा से पेड्रो के ऊपर चाय गिर जाती है और वो गुस्से से अंदर आती है और टीता से कहती है कि तुम्हारी माँ इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है। इससे पहले कि चेचा टीता को कुछ बता पाती, एलेना अंदर आकर कहती है कि पेड्रो और उसके डैड का जाकर आदर सत्कार करो, तुम्हारी बहन की शादी उससे तय हो गई है। ये सुनकर टीता को लगता है कि वो उसकी बात कर रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पेड्रो से उसकी बड़ी बहन रसोरा की शादी तय हुई है, टीता टूट जाती है। लेकिन रसोरा काफी खुश है। बाहर आकर पेड्रो का डैड पेड्रो से पूछता है कि तुम टीता से प्यार करते हो, फिर तुमने उसकी बहन से शादी के लिए हाँ क्यों किया। पेड्रो बताता है कि यही एक रास्ता था टीता के करीब रहने का, क्योंकि उसकी शादी तो कभी नहीं होगी और आपने भी तो अपनी जिंदगी में एक ऐसा डिसीजन लिया था, यानी कि पेड्रो के डैड ने भी अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा किया होता है। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि पेड्रो रसोरा से शादी बस इसलिए कर रहा है ताकि वो टीता के करीब रह सके और नाचा उसकी बातें सुन लेती है। वहाँ टीता ने खाना पीना छोड़ दिया है। नाचा उसके पास आती है और बताती है कि पेड्रो क्यों उसकी बहन से शादी करने को राजी हो गया, लेकिन टीता को नाचा की बातों पर विश्वास नहीं होता। टीता नाचा की किचन में हेल्प कर रही है, तभी एलेना आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अपनी बहन की एंगेजमेंट में होना चाहिए। टीता कहती है कि उसका सर दर्द है, लेकिन एलेना कहती है कि तुम मेरी बात ना मानकर मेरे इंसल्ट कर रही हो। और फिर वो वेडिंग बैंक्वेट की सारी जिम्मेदारी टीता को दे देती है। रिसेप्शन के दौरान पेड्रो टीता से कहता है कि वो अब भी उसे प्यार करता है। टीता कहती है अब वो उसकी किसी भी झूठ का यकीन नहीं करने वाली। टीता नाचा के साथ मिलकर वेडिंग की तैयारी कर रही है और काफी रो रही है। नाचा को उसकी हालत देखकर काफी दुख होता है। शादी का दिन आ जाता है और मेहमान लोग बस टीता और पेड्रो के अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने कई बार
पेद्रो और तीता को एक दूसरे का हाथ पकड़े गलियों में घूमते हुए देखा है और आज बिचारी को अपने प्यार को अपनी बहन का होते हुए देखना पड़ रहा है। पेद्रो तीता को हक करने आता है और कहता है कि अब तीता हमेशा उसके आसपास रहेगी और वो यही चाहता था। ये सुनकर तीता काफी खुश होती है और उसे पता चल जाता है कि पेद्रो ने उसके पास रहने के लिए उसकी बहन से शादी करी है। लेकिन एलेना को उन पर शक हो जाता है कि उनका अफेयर चल रहा है और वो तीता को पेद्रो से दूर रहने को कहती है। जैसे ही मेहमान शादी का केक खाते हैं, हर कोई तीता और पेद्रो के खोए हुए प्यार के लिए बहुत दुखी होता है और रोने लगता है, क्योंकि जब तीता केक को तैयार कर रही होती है तो तीता का एक आंसू केक के बैटर में गिर जाता है। इसकी वजह से उसके आंसू का फ्लेवर उस केक के अंदर मिक्स हो जाता है। और फिर हम एलेना को एक बॉक्स से उसके प्रेमी की फोटो निकालते हुए और उन्हें रोते हुए देखते हैं। जाहिर है तीता इसी आदमी की बेटी है। एलेना खिड़की से मेहमानों को देखती है तो वो सब उल्टी कर रहे होते हैं। वहां नाचा को तीता फर्श पर मरा हुआ पाती है और नाचा के हाथों में उसके पति की फोटो होती है। वो तीता के गम को झेल नहीं पाई। एलेना तीता से पूछती है कि उसने और नाचा ने वेडिंग केक में क्या मिलाया था जिसकी वजह से सब करने लगे और वो दोनों इसके लिए पछताएंगे। तीता बताती है कि नाचा मर चुकी है। वहाँ पेद्रो रसोरा से इंटीमेट होने से मना करता है जब तक कि उसकी तबीयत जो केक खाने से बिगड़ गई थी ठीक नहीं हो जाती। एक दिन रसोरा पेद्रो से कहती है कि उनकी शादी को 3 महीने हो चुके हैं और अब वो बिल्कुल ठीक है और अब उन्हें एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाना चाहिए। मतलब पेद्रो ने अभी तक उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाए थे। इंटीमेट होने से पहले पेद्रो भगवान से क्लियर करता है कि वो सिर्फ बच्चा करने के लिए रसोरा के साथ इंटीमेट हो रहा है, ना कि उसके अंदर कोई हवस है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। रसोरा ने पहली बार खाना बनाया है और खाना काफी बुरा बना होता है। एलेना कहती है कि उसने आज पहली बार खाना बनाया है और पहली बार के लिए खाना इतना बुरा नहीं है। कुछ समय बाद रसोरा प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन पेद्रो तीता का हेड कुक बनने के जश्न में गुलाब का एक बुकेट लाता है। रसोरा को लगता है कि पेद्रो वो बुके उसके लिए लाया है। वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। एलेना तीता से उस बुके को फेंकने को कहती है, लेकिन तीता उसे अपने सीने से लगा लेती है और उन्हें फेंकने के बजाय तीता बटेर खाने के लिए गुलाब की चटनी बनाने के लिए उनका उपयोग करती है। एलेना समझ जाती है और कहती है कि आज खाने में नमक ज्यादा है और रसोरा भी यह कहकर खाना बीच में छोड़कर उड़ जाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रसोरा को छोड़कर हर कोई उस चटनी को खाने के बाद कामुक संतुष्टि से भर जाता है। गेरू गर्म हो जाती है और बाहर जाकर शावर लेने लगती है। वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि शावर हाउस में आग लग जाती है। वो नेकेड ही आग से दूर भागते हुए घोड़े पर सवार मैक्सिकन क्रांति में लड़ रहे एक सैनिक जुआन से मिलती है, जिसे उन रोज पेटल्स की खुशबू वहां खींच लाई थी जो आग लगने की वजह से पूरे एरिया में फैल चुकी थी। वो उसे अपने घोड़े में बैठाकर अपने साथ ले जाता है और वहाँ पेद्रो और तीता भी एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। लेकिन एलेना वहाँ आ जाती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है और गेरू कहाँ है। तीता जोत कहती है कि गेरू का किडनैप हो गया है और सैनिकों ने शावर हाउस में आग लगा दी थी। एलेना को एक पारिवारिक पुजारी बताता है कि गेरू को प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर किया गया है, लेकिन दरअसल ये एक झूठ होता है। एलेना गेरू की सारी फोटोज और उसके बर्थ सर्टिफिकेट जला देती है। तीता चुपके से गेरू को उसका सामान भेजती है। रसोरा को पेन शुरू हो जाती है और तीता बच्चा पैदा करने में उसकी हेल्प करती है। रसोरा एक बीमार बेटे को जन्म देती है। वो अपने बेटे की देखभाल करने के लिए बहुत बीमार है। तीता किचन में है और सिल में मसाला पीस रही है। तभी पेद्रो वहां आ जाता है और उसकी ब्रेस्ट को घूरने लगता है। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि जो नर्स रसोरा की देखभाल के लिए आने वाली थी उसकी गोली लगने से मौत हो गई है। रसोरा का बच्चा भूखा होता है और काफी रो रहा है, इसलिए तीता उसे अपना दूध पिलाती है। पेद्रो भी वहां आता है। तभी एलेना वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या बच्चे ने कुछ खाया। तीता बताती है कि वो सो गया है। एलेना पेद्रो से उसके बच्चे को उसके माँ के पास ले जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में तीता बच्चे के साथ होती है और उसे बच्चे के साथ देखकर डॉक्टर ब्राउन कहता है कि तुम इस बच्चे का कितना अच्छे से ध्यान रखती हो। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम उसे कैसे संभालोगी। ये बात सुनकर तीता कहती है कि वो शादी और बच्चे नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अपनी माँ का तब तक ख्याल रखना है जब तक कि वो मर नहीं जाती। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि ये क्या वाहियात बात है,
वह पैदो को तीता को ताकते देख एलेना फादर से कह रही होती है कि एक बार उसोरा फिजिकली फिट हो जाए तो वो पैदो और उसोरा को उनके बच्चे के साथ टेक्सास भेज देंगी, जहां बच्चे को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल पाएंगी। लेकिन फादर कहता है कि तुम्हें घर में एक आदमी चाहिए जो तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। एलेना कहती है कि उन्हें किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो और उसकी बेटी सब कुछ संभाल लेंगे और जिंदा रहने के लिए औरतों को मर्दों की जरूरत नहीं होती। तीता बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है और वहाँ पेद्रो आ जाता है। तीता पेद्रो से कहती है कि जब वो बच्चे को दूध पिला रही हो तो वो उसके पास ना आया करे, एलेना को शक हो जाएगा और वो तुम्हें कहीं और रहने के लिए भेज देंगी। रात में पेद्रो और तीता एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एलेना को उनकी सासू की आवाज आती है और उसे अभी भी शक है कि तीता और पेद्रो का अफेयर चल रहा है। एलेना रसोरा पेद्रो और रोबर्टो को टेक्सास में रहने के लिए भेज देती है। कुछ महीनों बाद चेचा एलेना और तीता को उनके ग्रैंडसन की मौत की खबर देती है और कहती है कि वो जो कुछ भी खाता था उससे वो और ज्यादा बीमार रहने लगा था, क्योंकि वो तो बस तीता का दूध पीता था। तीता रोने लगती है लेकिन एलेना कहती है कि कोई नहीं रोएगा और रसोई के काम को खत्म करने को कहती है। ये सुनकर तीता को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बेबी उनकी गलती की वजह से मरा है। एलेना तीता को थप्पड़ मार देती है जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तीता बर्ड टावर में चढ़ जाती है और एलेना सीढ़ी हटा देती है। वो कई दिन वहीं ऊपर भूखी प्यासी रहती है। बर्ड टावर में रहने के 1 वीक के बाद डॉक्टर ब्राउन द्वारा तीता को बचाया जाता है। वो उसे इलाज के लिए टेक्सास में अपने घर ले आता है। डॉक्टर ब्राउन का एक बेटा है एलेक्स और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। चेचा तीता से मिलने जाती है और तीता को देख कर चौंक जाती है कि वो अब ठीक हो गई है। तीता चेचा से कहती है कि वो एलेना को बताए कि वो कभी वापस नहीं आने वाली। डॉक्टर ब्राउन जिसे तीता से प्यार हो गया है उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और तीता हाँ कर देती है। वहाँ एलेना के खेत में डॉगों का एक ग्रुप हमला कर देता है और चेचा का रेप कर देता है। वो एलेना को एक चट्टान से धक्का देकर मार डालते हैं। एलेना के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए तीता और डॉक्टर ब्राउन वहाँ लौटते हैं। एलेना के शरीर को त्याग करते समय तीता को एलेना के प्रेमी की तस्वीर वाले लॉकेट और ज्वेलरी बॉक्स का पता चलता है और उसे समझ आ जाता है कि एलेना उसके प्रति इतनी कठोर क्यों थी, क्योंकि खुद एलेना के प्रेमी ने उसके साथ धोखा किया होता है। पेद्रो और रसोरा भी वापस आ जाते हैं और रसोरा फिर एक हेल्दी बच्ची को जन्म देती है और डॉक्टर बताता है कि वो अब और बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं है। वो इस बच्ची का नाम एस्परेंजा रखती है। एस्परेंजा रसोरा के हाथों का कुछ भी नहीं खाती, इसलिए तीता एक बार फिर नर्सिंग की जिम्मेदारी लेती है। डॉक्टर ब्राउन का बेटा एलेक्स कहता है कि वो एस्परेंजा से शादी करेगा जैसे उसके पापा तीता से करने वाले हैं, लेकिन रसोरा कहती है कि एस्परेंजा शादी नहीं कर सकती, इसे जिंदगी भर मेरा ख्याल रखना है जब तक कि मैं मर नहीं जाती। ये बातें सुनकर तीता को काफी गुस्सा आता है कि उसकी बहन अपनी बेटी पर वही फालतू की परंपराएं थोपना चाहती है। डॉक्टर ब्राउन से तीता की सगाई के बारे में पता चलने पर पेद्रो जेलस हो जाता है। पेद्रो रसोरा के लिए खाना लेकर आता है और पेद्रो के जाते ही रसोरा पाद मारती है। पेद्रो तीता के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके कमरे में घुस जाता है। तीता को संदेह है कि वो पेद्रो के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई है। सुबह रसोरा तीता के पास आती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प चाहती है पेद्रो का दिल जीतने के लिए, क्योंकि अब वो जानती है कि तीता पेद्रो से प्यार नहीं करती, अगर करती तो डॉक्टर ब्राउन को शादी के लिए हाँ नहीं करती। वो कहती है शायद उसके वेट और बैड ब्रेथ की वजह से पेद्रो उसके पास नहीं आता। वो तीता से उसके लिए स्पेशल डाइट प्लान करने को कहती है जिससे उसका वेट कम हो जाए। वो बताती है कि गैस और बढ़ते वेट और बैड ब्रेथ की वजह से पेद्रो उसे टच भी नहीं करता। तीता उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसको खूबसूरत बनाने में उसकी हेल्प करेगी और बैड ब्रेथ के लिए वो उसे मिंट खाने का सुझाव देती है और कहती है मैं तुम्हें उन चीजों से दूर रखूंगी जिसकी वजह से तुम्हें गैस बनती है। रसोरा तीता को थैंक्स कहती है। उसके जाने के बाद तीता को अपनी माँ का भूत दिखता है। पेद्रो के साथ इंटीमेट होने के गिल्ट की वजह से तीता को ये भ्रम होने लगता है कि एलेना उसे पेद्रो के साथ सोने के लिए दंडित कर रही है। एक बड़े सोशल डिनर के दौरान गेरू जो अब एक सैन्य जनरल है जुआन के साथ वापस लौटती है जो अब उसका पति है। तीता अपनी प्रेगनेंसी के बारे में गेरू को बताती है। वो तीता को पेद्रो को प्रेगनेंसी के बारे में बताने की सलाह देती है। वो तीता को याद दिलाती है कि उसका और पेद्रो का प्यार सच्चा है और रसोरा की भावनाएं कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि वो जानती थी कि तीता पेद्रो से प्यार करती है लेकिन फिर भी उसने पेद्रो से शादी कर ली। तभी वहाँ पेद्रो आ जाता है और तीता उसके साथ बाहर चली जाती है। पेद्रो तीता से कहता है कि अगर तीता उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होगी और वो तीता को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। लेकिन तीता कहती है कि उन्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए और पेद्रो को अपनी बीवी और बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए।
तीता को एक बार फिर एलेना द्वारा उसे डांटने के भ्रम का सामना करना पड़ता है। इस बार तीता एलेना के सामने खड़ी होती है, उससे उसके अफेयर के बारे में बात करती है और फिर उसे भगा देती है। जुआन के साथ तीता की खिड़की की तरफ मुंह करके गाते हुए पेद्रो आग की चपेट में आ जाता है। डॉक्टर ब्राउन के आने तक तीता पेद्रो के घाव का इलाज करती है। गेरो तीता को बताती है कि सोल्जर्स औरतें विनेगर और पानी यूज करके प्रेग्नेंट होने से बचाव करती है और अब से वो ख्याल रखे। पेद्रो डॉक्टर ब्राउन के साथ टीटा की एंगेजमेंट से अभी भी जेलस है और चाहता है कि वो इसे तोड़ दे और साथ ही वो डॉक्टर ब्राउन को उनके वन नाइट स्टैंड और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताने की धमकी देता है। टीटा पेद्रो से कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, ये एक फॉल्स अलार्म था। रोसोरा टीटा के पास आती है और टीटा के साथ उसके अफेयर के बारे में बात करती है और टीटा को धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसकी फैमिली तोड़ने की कोशिश की तो वो उसे इस घर से निकाल देगी। वो टीटा को प्रोस्टिट्यूट कहती है और उसकी बच्ची से दूर रहने को कहती है और वो ये भी क्लियर करती है कि एस्पेरेंजा कभी भी पारिवारिक परंपरा के अनुसार शादी नहीं करेगी। गिल्ट के कारण टीटा डॉक्टर ब्राउन को अपनी बेवफाई के बारे में बताती है और उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगती है। डॉक्टर ब्राउन उसे माफ कर देता है और कहता है कि वो अब भी उसके साथ रहना चाहता है लेकिन वो अपने रिश्ते के बारे में जो भी डिसीजन लेगी वो उसे स्वीकार होगा। टीटा उसे किस कर लेती है। कई साल बाद शादी की तैयारियां हो रही है और एस्पेरेंजा डॉक्टर ब्राउन के बेटे एलेक्स से शादी कर लेती है। वहां गपशप कर रही औरतों से ये पता चलता है कि टीटा एस्पेरेंजा के लिए लड़ने के लिए उस घर में रुकी थी और 3 दिन बाद रसोरा की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ हो गई और टीटा उसी घर में पेट्रो के साथ रहने लगी थी और उसने डॉक्टर ब्राउन से शादी नहीं की थी। एक औरत टीटा से उसकी चिली डिश की रेसिपी का सीक्रेट पूछती है। टीटा कहती है कि उसका सीक्रेट है कि वो अपनी डिश को प्यार से बनाती है और जिस दिन आप ये समझ जाएंगी आपकी डिशेस भी स्वादिष्ट बनने लगेंगी। वहां टीटा की बनाई हुई चिली डिश खाकर सब फिर से हॉर्नी हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। पेद्रो टीटा को बताता है कि एस्पेरेंजा की शादी के साथ वो अपने रोमांस को फिर से जगा सकते हैं। एस्पेरेंजा और एलेक्स हनीमून के लिए निकल जाते हैं और डॉक्टर ब्राउन के जाने के बाद दोनों प्यार करने के लिए गेस्ट हाउस जाते हैं। इंटीमेट होने के दौरान पेद्रो को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। दुखी टीटा माचिस निकलकर आत्महत्या कर लेती है जिससे उसका शरीर अपने आप ही जल जाता है और कमरे में आग लगने की वजह से पूरी संपत्ति जल जाती है। कहानी सुनाने वाली लड़की से पता चलता है कि जो ये कहानी सुना रही थी वो दरअसल एस्पेरेंजा की बेटी है। वो बताती है कि जब एस्पेरेंजा अपने हनीमून से जली हुई संपत्ति को खोजने के लिए घर लौटी थी तब उसे वहाँ टीटा की रेसिपी बुक मिली थी और उसने उस बुक को संभाल के रखा और अपनी बेटी को सौंप दिया। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा।